हरियाणा में पिछले दिनों मॉनसूनी बारिश से आई बाढ़ से लोगों का जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ किसानों की खेतों में खड़ी फसल बाढ़ के पानी में डूबने से बर्बाद हो गई, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर किसानों से नुकसान की जानकारी ली। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मॉनसूनी बारिश से 1500 गांव पानी में डूब गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 47 लोगों की जान चली गई। 4 लाख एकड़ से ज्यादा फसल खराब हो गई। 40 परिवारों को 1,07,00,000 मुआवजा ट्रांसफर किया गया। 475 घर बाढ़ से तबाह हो गए, जिनमें से 108 को मुआवजा दिया गया। 18 अगस्त तक किसान नुकसान का डाटा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। 7 सितंबर से पहले किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। जहां पटवारी नहीं है वहां डीसी को निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। क्षतिपूर्ति सहायक की तर्ज पर गिरदावरी सहायक तैनात किए जाएंगे। गिरदावरी सहायक नॉन फ्लड एरिया में गिरदावरी करेंगे। यमुना के साथ लगते 6 जिलों में कटा हुआ सिल्ट को हटाने के लिए योजना बनाई गई। डी सिल्टिंग से एक गड्ढे में सिल्ट इकट्ठा किया जाएगा। मॉनसूनी बारिश से काफी सड़कें प्रभावित हुई। 500 किलोमीटर से ऊपर सड़कें इफेक्ट हुई। 338 करोड़ की राशि से सड़कें ठीक करवाई जाएगी। 20 लाख तक के माइनर रिपेयर का जिम्मा एसडीओ स्तर के अधिकारी देखेंगे। 20 लाख से 1 करोड़ तक के नुकसान के लिए ज्वाइंट टेंडर्स करेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा सड़कों को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल से ठीक करेंगे। पानी निकासी का प्रबंध किया जाएगा। ड्रॉप भी आबादी डे के अंदर ये एफिशिएंसी थी, टाइमली प्रिपेयर्डनेस थी। जहां जहां अभी भी पानी खड़ा है, पहले जितने प्रदेश में हमारे पास पंपिंग सेट्स थे वो हमने अलॉट कर दिए गए थे कि पंपिंग सेट से जल्दी पानी निकाला जाए। हमारे पास जिन जिन डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे को फंड चाहिए, उनको फंड हमने समय अनुसार डिस्पोज ऑफ कर दिए, जिससे आज ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसने अपने पैसों से या गांव के लोगों ने अपने पैसों से डीजल खरीदा हो। पूरी तौर पर अगर कहीं भी गाँव आबादी या एग्रीकल्चर एरिया से पानी निकालने के लिए पंप सेट से इस्तेमाल हुए हैं, कहीं बांध बनाने के लिए ट्रैक्टर जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है, सारा पैसा स्टेट्स की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स को भेजा गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकाल में बारिश से हुए नुकसान को लेकर निशाना साधा, सुनिए जरा। और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को कहीं भी हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए हमने निर्णय लिया कि हम जीएसटी काउंसिल के अंदर ये मुद्दा रखेंगे। और हमें खुशी है कि लास्ट काउंसिल में हरियाणा की उस बात को रखा कि लॉ कमेटी नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल तक क्रिप्टो ट्रेडिंग पे कैसे टैक्स लगना है, कैसे स्टेट्स के अंदर उसको मॉनिटर किया जाए, उसके ऊपर अपना निर्णय लेकर देगी। एक मामला जो 4 साल से लंबित था वो था बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज और लॉटरी, हॉर्स रेसिंग के ऊपर। इसके ऊपर इस बार जीएसटी काउंसिल ने एक सर्वसम्मति से फैसला ले लिया कि कोई भी आदमी अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करता है तो 28% टैक्स उसको एट फेस वैल्यू देना पड़ेगा। उसके बाद वो मल्टीपल बेटिंग करे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई प्लेटफॉर्म बनाता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और कोई कमीशन चार्जेस इस तरह की ट्रेडिंग में लेता था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लगातार सियासत का दौर जारी है। सभी पार्टी के नेता लगातार लोगों के बीच जाकर नुकसान का फीडबैक लेने में लगे हुए हैं, लेकिन ये फीडबैक किस पार्टी को कितना फायदेमंद रहने वाला है ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।